दोस्तों, टाइटैनिक शिप अपने ज़माने का सबसे बड़ा जहाज हुआ करता था। ये इतना बड़ा हुआ करता था कि इसमें 3 फुटबॉल के मैदान आसानी से समा सकते हैं। और दोस्तों, ये उस ज़माने का सबसे लग्जरी और सबसे महंगा जहाज हुआ करता था। दोस्तों, टाइटैनिक शिप का पूरा नाम RMS टाइटैनिक शिप था। इसका मतलब रॉयल मैन शिप। और दोस्तों, टाइटैनिक शिप को इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि इसमें 2224 लोग से भी ज़्यादा आसानी से इसमें सफ़र कर सकते हैं। और ये देखने में ऐसा लगता था जैसे अटलांटिक ओशन में बसा हुआ एक छोटा सा शहर जैसा। इसमें दुनिया भर की सारी सुविधाएं मौजूद थीं। और दोस्तों, टाइटैनिक शिप में ख़ास बात ये थी कि ये उस ज़माने का सबसे तेज़ चलने वाला शिप हुआ करता था। और इसमें लगाई हुई सीटी 15 किलोमीटर दूर तक आसानी से सुनाई देती थी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप कुछ टाइटैनिक शिप के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग नॉलेज जानेंगे और आप ये भी जानेंगे कि आखिर टाइटैनिक शिप कैसे डूब गया। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को यहीं पे स्टार्ट करते हैं। टाइटैनिक को बनाने का जिम्मा व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने लिया था, जो कि एक ब्रिटिश शिपिंग कंपनी थी। और दोस्तों, टाइटैनिक को 3000 वर्कर्स ने मिलकर बनाया था। और टाइटैनिक को बनाना कोई आसान काम नहीं था। इतने बड़े शिप के ढांचे को बनाना कोई आसान काम नहीं था। कड़ी सावधानियों के बाद भी 9 मजदूरों को इसे बनाते वक्त अपनी जान गंवानी पड़ी और 40 वर्कर गंभीर रूप से घायल हो गए। और दोस्तों, टाइटैनिक को बनाते समय 48 करोड़ यानी 48 करोड़ रुपये का खर्चा आया था, जो कि उस ज़माने में बहुत ज़्यादा था। और दोस्तों, बात करें हम इसकी लंबाई की, तो इसकी लंबाई थी 892 फीट। और इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये 92 फीट चौड़ा था। और अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 175 यानी 175 फीट ऊंचा था। और दोस्तों, आप टाइटैनिक शिप के वज़न को जानने के बाद ज़रूर हैरान हो जाएंगे। टाइटैनिक शिप का वज़न था 52,310 टन यानी 52,310 टन, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। और दोस्तों, टाइटैनिक शिप में लगाई हुई 4 चिमनियों में से 3 चिमनियाँ ही काम करती थीं, और 1 चिमनी तो उसकी सजावट के लिए और उसके वेंटिलेशन के लिए लगाई गई थी। दोस्तों, टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन का ये कहना था कि ये कभी न डूबने वाले जहाज़ है, लेकिन किसे पता था कि कभी न डूबने वाले जहाज़ कभी डूब भी सकती है। दोस्तों, क्या हुआ था उस रात को जिस रात ये टाइटैनिक शिप, दुनिया का सबसे बड़ा शिप, डूब गया था? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप यही जानेंगे। तो चलिए जानते हैं कि कैसे ये टाइटैनिक शिप डूबा था। तो दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं कि टाइटैनिक शिप को कब और कहां बनाना शुरू किया गया था। टाइटैनिक शिप को 1909 में हार्लैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड पे बनाना शुरू किया गया था। दोस्तों, टाइटैनिक के साथ 2 और बड़े जहाज़ों का निर्माण किया गया था, जिसमें से एक RMS ओलंपिक भी था। दोस्तों, टाइटैनिक को बनाने में करीब 3 साल का वक्त लगा था, और टाइटैनिक में उस समय की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। टाइटैनिक शिप को 1 अप्रैल 1912 को फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए समुद्र में उतार दिया गया था। टाइटैनिक ने अपने पहले एक्सपेरिमेंट में बेलफास्ट से आयरिक रिवर तक करीब 150 किलोमीटर का सफ़र तय किया था। अपने पहले एक्सपेरिमेंट में सफल होने के बाद टाइटैनिक को यात्रियों के लिए 2 अप्रैल 1912 को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया। टाइटैनिक शिप अपनी पहली यात्रा से पहले ही बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था, क्योंकि उस ज़माने में इसके जैसा जहाज़ और कोई नहीं था। दोस्तों, टाइटैनिक में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास के अपने अपने अलग अलग कैटेगरी के रूम हुआ करते थे। फर्स्ट क्लास के लिए 2.5 लाख रुपये देने पड़ते थे, और सेकंड क्लास के लिए 1 लाख रुपए, और थर्ड क्लास के लिए 2,500 रुपए उस ज़माने में देने पड़ते थे। और इतना ही नहीं, टाइटैनिक में स्विमिंग पूल भी था, और इसके अलावा योगा करने के लिए योगा रूम और इंटरटेनमेंट के लिए एक अलग से रूम हुआ करता था, जिसमें दुनिया भर के खेल मौजूद थे। और नहाने के लिए एक अलग से टर्किश बार मौजूद था, जो बहुत ज़्यादा लग्जरी और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। और दोस्तों, टाइटैनिक में फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के लिए 2 अलग अलग कैटेगरी की लाइब्रेरी भी मौजूद थे। टाइटैनिक में फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के लिए 4 एलिवेटर मौजूद थे। तो दोस्तों, अब टाइटैनिक अपने पहली यात्रा के लिए बिल्कुल तैयार था। टाइटैनिक इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से लेके अमेरिका के न्यूयॉर्क तक जाने के लिए बिल्कुल रेडी था।
दोस्तों उस समय टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ थे। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक 2200 यात्रियों को लेकर अपने पहले यात्रा यानी अपने पहले सफ़र इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए निकल चुका था। टाइटैनिक में मौजूद कई यात्री बहुत अमीर भी थे। उसमें एक यात्री जैकब एस्टर भी था जो उस समय का सबसे अमीर आदमी था। उस समय सभी यात्री बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन उन्हें क्या पता कि उनकी ये ट्रिप उनकी ज़िंदगी की आखिरी ट्रिप बन जाएगी। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं टाइटैनिक में रोज़ 825 टन कोयले का इस्तेमाल हुआ करता था और वो डेली 100 टन राख बाहर निकालता था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं टाइटैनिक में रोज़ 14,000 गैलन पानी रोज़ ख़त्म हो जाता था और 4,000 अंडे डेली टाइटैनिक में ख़त्म हो जाते थे। और दोस्तों, टाइटैनिक में डेली 1500 गैलन दूध डेली ख़त्म हो जाते थे। और दोस्तों, टाइटैनिक इसी समय कई दिनों की यात्रा पूरी कर चुका था, लेकिन इसी समय टाइटैनिक कैप्टन ने टाइटैनिक की स्पीड बढ़ाने का आदेश दे दिया ताकि टाइटैनिक समय से पहले ही न्यूयॉर्क पहुँच सके और मीडिया वालों और जनता को हैरान कर दे। लेकिन दोस्तों, उसी समय टाइटैनिक के निचले वाले हिस्से में आग लग चुकी थी, लेकिन आग का पता सारे अधिकारियों को था, लेकिन उन्होंने यात्रियों को नहीं बताया। उन लोगों ने सोचा कि अगर वो यात्रियों को बता देते हैं तो कंपनी का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और 14 अप्रैल 1912 को रविवार की रात को बहुत ज़्यादा अंधेरा था, जिसके कारण से टाइटैनिक के कैप्टन को सामने कुछ भी सही से दिखाई नहीं दे रहा था। और टाइटैनिक में दूरबीन थी, लेकिन दूरबीन लॉकर में बंद थी और उस लॉकर की चाबी एक पुराने अधिकारी के पास थी जिसको अभी अभी रिप्लेस किया गया था और वो चाबी देना भी भूल गया था। और उसी समय एक अधिकारी को फ़ोन आया कि सामने एक बहुत बड़ा आइसबर्ग मौजूद है जिसे टाइटैनिक सिर्फ 35 सेकंड में टकराने वाला है। उसने तुरंत खबर कैप्टन को दी। कैप्टन ने तुरंत आदेश दिया कि टाइटैनिक के इंजन को बंद किया जाए और तुरंत उसको घुमाया जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि टाइटैनिक उस समय 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही थी और उतनी स्पीड में उसको घुमाना भी पॉसिबल नहीं था। और टाइटैनिक जाके उस बड़े आइसबर्ग से टकरा गया और आइसबर्ग उसी जगह पर टकराया जहाँ पे पहले से ही आग लगी हुई थी। इसके कारण वह जगह बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया और टाइटैनिक के अंदर पानी भरने लगा। धीरे धीरे निचले कमरों में पानी आ गया और सारे यात्री सोए हुए थे। तभी सारे अधिकारियों ने मिलकर सभी यात्रियों को जगाया और ऊपर की तरफ भेजना शुरू किया। और सभी अधिकारियों ने फैसला किया कि सभी लाइफ बोटों को तुरंत उतारा जाए और सारे यात्रियों को उसमें बैठा कर रवाना किया जाए। लेकिन टाइटैनिक में सिर्फ 20 लाइफ बोट ही मौजूद थे और सबसे पहले महिलाओं और बच्चों को लाइफ बोट में बैठाया गया और इसी कारण से सबसे ज़्यादा मौत की संख्या में पुरुष की संख्या सबसे ज़्यादा थी। और टाइटैनिक में मौजूद सभी म्यूज़िक बजाने वाले लगातार म्यूज़िक बजाते रहे ताकि टाइटैनिक में मौजूद यात्रियों को हिम्मत रहे। और इसी कारण से जब टाइटैनिक डूबा तो उसमें से कोई भी म्यूज़िक बजाने वाला व्यक्ति नहीं बच पाया। और दोस्तों, लाइफ बोट की मदद से करीब 700 लोगों की जान बचाई जा सकी, लेकिन जब टाइटैनिक डूबा तो उसमें 1500 लोगों की जान चली गई क्योंकि उसमें लाइफ बोट बहुत ही कम थे। लेकिन टाइटैनिक 64 लाइफ बोट ले जाने के लिए बना था। अगर उस समय टाइटैनिक में 64 लाइफ बोट होते तो ऑलमोस्ट सभी यात्रियों की जान बच सकती थी, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। इसी कारण से आगे वाला हिस्सा पानी के अंदर डूबने लगा और पीछे वाला हिस्सा हवा में उठने लगा और इसी कारण से टाइटैनिक के दो टुकड़े हो गए और वो दोनों टुकड़े धीरे धीरे पानी के अंदर डूब गए और पानी के अंदर 12,000 फीट की गहराइयों में चले गए। सो दोस्तों, ये थी टाइटैनिक के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग नॉलेज। सो फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो में मज़ा आया हो तो इस वीडियो को यहीं पर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाते रहते हैं। चलिए, ख़त्म करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो और मिलेंगे किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में।